नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ। अभी छत्तीसगढ़ के जिले में इन दिनों रेत मुरुम खनन जोरों पर है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन रात खनन करना आम बात है। मामला ग्राम पंचायत जवन गांव में चल रहे मुरुम उत्खनन का है, जहां पर खनन स्वीकृति तो दी है लेकिन रात भर हाईवा से ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात भर हाईवा चलने से ग्रामीणों की नींद हराम है। उन्होंने बताया कि एक रॉयल्टी बुक को स्वीकृति कर महीनों उसी के द्वारा खनन किया जाता है, जिसमें हफ्तों महीनों खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को चूना लगाकर रॉयल्टी का भारी नुकसान कर रहे हैं। जबकि एक साथ 10 से 12 हाईवा रात दिन मुरुम परिवहन में संलग्न है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक रॉयल्टी बुक कितने हाईवा में समाप्त हो जाती होगी। ग्रामीणों ने यह अंदेशा जताया है कि ये अवैध खनन कार्य में बड़े अधिकारियों का संरक्षण है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में चलने वाले अवैध उत्खनन वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आज जिला प्रवास पर रहे प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले ठेकेदार और संलग्न अधिकारी के ऊपर तुरंत रोक लगाने की बात कही है। इसको मैं दिखवा लेता हूँ, वो क्या उस सीमा क्षेत्र में आसपास कहीं पे दिया हुआ है। अब वो अरौद का है कि व्हीलर का है कि जमर गाँव का है, वो देखना पड़ता है। अगर मुरुम चोरी होगा तो हम कलेक्टर को निर्देश करेंगे, चोरी नहीं करना है। जो अगर सड़क बनना है, सड़क भी हमारा है और मुरुम भी हमारा है, और जन नीति का काम गलत नहीं होना चाहिए। नियम जो होगा, नियम का विरुद्ध होगा, उसको कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं होगा।